तो यही है हमारा भारत देश का सबसे बड़ा और सबसे महंगा राजमहल, जो कि है मैसूर का मैसूरू पैलेस। और ये जो शादी महल की ऊंची ऊंची खंबे पिलर देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये भी बहुत ही खास है क्योंकि इसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। बहुत ही पहले ये चंदन का लकड़ी से बना हुआ महल था, लेकिन महाराज की बेटी के शादी के वक्त इस महल को पूरा आग लग गया था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को और एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको लेके आए हैं मैसूर की मैसूर पैलेस दिखवाने को, जो कि है भारत देश की सबसे बड़ी राजमहल। तो चलिए दोस्तों, अभी हम मैसूर पैलेस के अंदर एंटर कर रहे हैं, प्रवीण भाई और मैं। ये हमारा 5th प्लेस है, मतलब मैसूर आने के बाद 5 नंबर ब्लॉग है और 5 नंबर प्लेस जिसको आज अभी हम विजिट करने वाले हैं। तो बने रहिए, आपको देखने को मिलेगा मैसूर पैलेस की खूबसूरती। पहले हमको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, सही है ना भाई? Yes. पहले टिकट ले लेते हैं, उसके बाद अंदर लेके चलेंगे आपको। तो यहाँ महल के बाहर में सड़क साइड पे आपको रंग बिरंगी कई सारे अलग अलग डिजाइनों की घोड़े की गाड़ी देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आने वाले पर्यटकों के लिए एक बहुत ही आकर्षित केंद्र है। और यहाँ का रोड का जो है ना साफ सफाई में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इसके बाहर में आपको ऐसे कई सारे घोड़े के जो टांगे हैं, जो घोड़े का गाड़ी है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका आनंद ले सकते हो, आप एक्स्ट्रा पे करके आप मैसूर सिटी को घूम सकते हैं घोड़े के गाड़ी में। ये अभी कैश, क्योंकि हमारे पास कैश खत्म हो चुका है तो एटीएम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आके मिला है हमको एक मोबाइल एटीएम। मतलब ये देखिए, गाड़ी के अंदर में एटीएम है, यहाँ से अभी हमको कैश मिल जाएगा। तो प्रवीण भाई को भेजा है मोबाइल एटीएम के अंदर, वहाँ से कैश ले लेगा प्रवीण भाई। उसके बाद हम अभी चलेंगे मैसूर पैलेस देखने को। तो ये आप आगे देख पा रहे हैं, यही है महल की प्रवेश द्वार। यहाँ से अभी हम महल के अंदर में एंट्री करेंगे, पहले टिकट लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है, आपको अगर गाइड चाहिए तो भी आप एक्स्ट्रा पे करके आप टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे गाइड ले सकते हैं। मिल चुका है टिकट, करीब 100 रुपीज करके लिया है टिकट एडल्ट के लिए, 100 रुपीज। तो हम चलते हैं अभी अंदर में। प्रवेश द्वार से हम अंदर एंटर हो चुके हैं, अभी फिलहाल हम ये लेफ्ट साइड से जाएंगे। और यहाँ पे और एक टेम्पल भी है, तो चलिए इसको देखते हैं पहले। टेम्पल तो शायद बंद है। तो अंदर एंटर होते ही हमको यहाँ पे पर्यटकों का भीड़ देखने को मिल रहा है, बहुत सारे पर्यटक है यहाँ पे। लिखा है महल की एंट्री, जो महल के प्रवेश द्वार है यही से, तो यहाँ से अभी हम इन होंगे महल तक। तो इस महल के इतिहास के बारे में कहा जाए तो इस महल को बनाने में करीब 15 साल का वक्त लगा था, जो कि 1897 में शुरुआत हुआ और 1912 में ये महल बन के पूरी तैयार हो चुका था। और इसकी खूबसूरती आप यहाँ बाहर से ही अंदाज़ा लगा सकते कितना सुंदर है। नज़दीक में आ चुके हैं, लेकिन क्या करें, अभी साउंड थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रहा होगा, हमारा माइक ओपन कर दिया है। चलिए अभी महल की अंदर में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे अपना शूज अपडेट करना पड़ेगा अभी हमको, और यहाँ पे 2 रुपये दे के आप बहुत ही सेफली अपना शूज सबमिट करके जा सकते हैं। तो हम दोनों महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और इस महल के अंदर में आप जूता लेके नहीं आ सकते, इसीलिए हमने अभी अपना जूता आउटसाइड में रख दिया, लेकिन ऐसे सॉक्स डाल के आ सकते हो। मैं तो सॉक्स डाला है, प्रवीण भाई ने सॉक्स भी रख दिया। तो चलो देखेंगे, जो कुछ भी है अंदर का आपको भी दिखाएंगे। सबके साथ हम लाइन से आगे बढ़ रहे और आपको दिखा रहे। ये देखिए महल में छोटे छोटे पूरा 97,000 बल्ब लगा हुआ है। ये जो बल्ब है ना दोस्तों, इसी बल्ब से इवनिंग को महल को सजाया जाता है लाइटिंग शो के लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग बहुत ज़्यादा है, हमको 2-3 बार बैग अभी तक चेकिंग कर चुका है। तो यहाँ दाई तरफ में कई सारे लाइन पे खड़ा हुए तोपे देख पा रहे होंगे आप। और ये जो तोपे है ना दोस्तों, इसको बस सलामी देने की काम आता है दशहरा के टाइम पे। तो महल के अंदर हमको एंटर होते ही सबसे पहले देखने को मिला, जो कि पुराना महल था चंदन के लकड़ियों से बना हुआ, इसका कुछ डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिला। और नया महल का भी डिज़ाइन यहाँ पे बनवा के रखा गया है। और यहाँ पे और भी कई सारे पुराने ज़माने का, जो राजा के ज़माने का मूर्ति वगैरह रखा गया है यहाँ पे संरक्षित करके, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग मूर्तियाँ रखा गया है इसमें। और इस महल की बनावट के बारे में क्या ही बताऊँ, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग तरीका का महल का बनावट है। तो यहाँ पे आप ऐसे कई सारे ओरिजिनल तोपे देख सकते हैं, जो कि फ़िलहाल ऐसे तो चलाया नहीं जाता है। और ये एक हाथी का सर है, जो देख सकते हैं इसका दांत जो है बिल्कुल रियल दांत है।
तो इसके अंदर में कई सारे ऐसे 3D पेंटिंग लगा हुआ है जो कि उस जमाने में बना हुआ है। इसका लुक्स आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस पेंटिंग आप कहीं से भी देखो, कोई भी एंगल से देखो, ये पेंटिंग आपको ही देखता रहता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कल्याण मंडप। कल्याण मंडप बोले तो शादी महल, जहाँ पे राजा की ज़माने में शादी समारोह हुआ करता था। और इसका बनावट है ना दोस्तों, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग है, आप खुद देख पा रहे होंगे। और ये जो शादी महल की ऊंची ऊंची खंभे पिलर देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये भी बहुत ही खास है, क्योंकि इसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है, जिसको उस ज़माने में राजा ने शादी ब्याह की अवसर पे इस जगह को इस्तेमाल होने के लिए ना खास करके बनाया था। तो ये जगह जो है, फिलहाल तो यहाँ पे लाइटिंग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लाइट ना हो तो सूरज का जो रोशनी है वो जब यहाँ से आके नीचे गिरता है ना, तो इसका नीचे का जो शेडो गिरता है ना, बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक सा देखने को लगता है। और इसके छत पे और साइड पे देख सकते हैं कई सारे अलग अलग डिज़ाइन बना हुआ है, जो बहुत ही देखने में अलग सा महसूस होता है। ये था कल्याण मंडप, जहाँ पे शादी ब्याह के टाइम पे इसको सजाया जाता था, मतलब वो राजा के ज़माने में। अभी तो इसको ऐसे ही देखने के लिए मतलब सख्त सिक्योरिटी का पहरा लगा के रखा है इसमें। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत एरिया है। अभी चलते हैं और भी आगे, और क्या क्या चीज़ें यहाँ से आगे जाएंगे तो देखेंगे। तो महल को जितना हो सके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका डिज़ाइन और इसमें लगे हुए पेंटिंग को हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आप खुद आके जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका डिज़ाइन कितना यूनिक, कितना अलग है। और फिलहाल हम आ चुके हैं, ये है रॉयल फैमिली पिक्चर गैलरी, जो कि है रॉयल फैमिली का पिक्चर, जो इनका सबका यहाँ पे फोटो बना हुआ है फ्रेम पे। जो भी यहाँ पे राजा रहे होंगे, राजा के फैमिली लोगों का सबका फ़ोटो आपको इस गैलरी रूम के अंदर में देखने को मिल जाएगा इसमें। तो इसके अंदर में आप हर एक राजा के नाम पढ़ सकते हैं, हर एक फ्रेम के नीचे राजा का नाम और उनका तस्वीर लगा हुआ है, जो कि एक पेंटिंग है, देखने में बहुत ही अलग लग रहा है, जो उस ज़माने में ऐसा पेंटिंग बना के यहाँ पे रखा गया है। और इसमें लोगों का भीड़ भी बहुत है, हर एक चीज़ को आपको बारीकी से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो आप कई सारे यहाँ पे बक्स वगैरह देख पा रहे, ये उस ज़माने में राजा का बना हुआ बक्स है, जिसके अंदर में संदेशा भेजा जाता था, मतलब चिट्ठी वगैरह कुछ पैगाम भेजा जाता था दूसरा राजा दूसरे किसी के पास। तो ये कुछ बक्स को भी यहाँ पे संरक्षित करके रखा गया है। तो ये एक पेंटिंग में यहाँ महल के बाहर परिसर को दिखाया गया है, जो कि दशहरा के टाइम पे महल के बाहर उत्सव होता है, उस टाइम का पेंटिंग है ये आप देख पा रहे हैं। और ये और एक पेंटिंग है, ये है चामुंडेश्वरी मंदिर की, जो हमने लास्ट ब्लॉग में चामुंडेश्वरी मंदिर को दिखाया था, जहाँ पे फेस्टिवल होता है तो दशहरा के टाइम पे ऐसे ही लोगों का भीड़ होता है, उस ज़माने में इसका पेंटिंग बनाया गया है। तो करीब 40 मिनट हो चुके हैं हम पैलेस के अंदर घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, मतलब एक एक करके बहुत अच्छे से सुविधा करके रखा है पैलेस को, बहुत ही आप अच्छे से देख सकते हैं, मतलब एक ही रोड से इन होना है, ऐसे घूम घूम के देख देख के आपको आउट साइड जाना है। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। जगह देख पा रहे हैं, ये भी बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी डाल के होता था कुश्ती लड़ाई, जो कि एक गेम है, जो राजा के पहलवान लोग होते थे वो सब यहाँ पे कुश्ती लड़ाई लड़ते थे उस जमाने में। तो चांदी की फ्रेम से बना हुआ यहाँ पे एक मिरर है, और कई सारे चेयर्स वगैरह है जो कि पूरा का पूरा चांदी से बना हुआ। और ये एक हाथी का दांत का आप देख पा रहे हैं, और भी कई सारे छोटा छोटा चेयर्स वगैरह है, जो सबके सब चांदी का ही बना हुआ है। और इसका ऊपर का बनावट देख सकते हैं, जो लकड़ी से एक अलग और यूनिक सा बहुत ही अद्भुत सा डिज़ाइन बना के रखा है ना, बहुत ही अलग है। ऐसा लकड़ी से उस ज़माने में ऐसा डिज़ाइन बना के यहाँ पे रखा गया, ये कुछ सर है किसका पता नहीं, मतलब बहुत ही अद्भुत लग रहा है देखने को।
तो यहाँ पे सेंट फिलोमिना चर्च का भी पेंटिंग लगा हुआ है जिसको हम बाद में विजिट करेंगे, जो बहुत ही सुंदर बहुत ही मस्त प्लेस है मैसूर में। और महल का बनावट तो क्या ही बताओ दोस्तों, बहुत ही अलग बहुत ही अद्भुत महल है ये। और यहाँ पे हाथी का जो दांत लगा हुआ है आप देख पा रहे हैं, इसके आगे आपको हाथी का कई सारे दांत आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए इसके आगे इसके अंदर में कई सारे हाथी का दांत रखा हुआ है और भी कई सारे छोटा छोटा मूर्तियाँ वगैरह है। ये देखिए कई सारे रियल हाथी का दांत है। और ये जो देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये है सबसे यूनिक चीज़, एक पालकी जिसमें करीब 80 किलो का सोना लगा हुआ है। इसका वेट तो करीब 750 किलो है, लेकिन इसमें पूरा 80 किलो का गोल्ड जो सोना लगा हुआ है इस पालकी में। और ये एक मिरर है जो राज फैमिली का, जो बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है इसका मिरर का, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का भीड़ है ना, पर्यटकों का, जो देखने में हर एक कोई उत्सुक है इस महल को देख रहे हैं हमारे जैसा। तो महल में तो बहुत सारे चीज़ें वगैरह है, उसमें से और एक चीज़ है, ये है हमारा जो महाराज थे कृष्ण राजा वड़ियार, उनका एक बहुत ही सुंदर सा मूर्ति बना के रखा गया है जो देखने में बिल्कुल रियल लगता है। बहुत ही प्यारा सा मूर्ति है महाराज की। यहाँ पे महल कई सारे रोड ब्लॉक करके रखा गया है, ये भी देख सकते हैं, ये भी रोड ब्लॉक करके रखा है, मतलब ऊपर जाने का तो कोई रास्ता नहीं, ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर से जो कुछ देखना है वो सब देख सकते हैं महल का। तो हम आ चुके हैं महल की शाही दरबार पे, जहाँ पे दरबार लगता था, जिसको कहा जाता है दीवाने आम। यहाँ पे राजा बैठ के प्रजाओं का बात सुनते थे। इस जगह की बनावट मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही अलग है ये जगह का, सबसे यूनिक है ये जगह महल के अंदर में। और इसकी बनावट उस ज़माने में कैसा बनाया देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक शीशा भी लगा हुआ है। ये जो दीवाने आम है इसका छत की बनावट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते उस ज़माने में इतना सालों पहले कितना बारीकी से इसकी छत को डिज़ाइन करके बनवाया गया है। और ये आप आगे देख पा रहे हैं जो मेन गेट, ये आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये है मेन गेट, मेन प्रवेश द्वार। फिलहाल इसको तो बंद करके रखा है, यहाँ से एंट्री नहीं है, लेकिन राजा के ज़माने में इसी से प्रजा लोग अंदर आते थे और यहाँ पर बैठ के राजा अपने प्रजा के साथ बातचीत करते थे, उनका बात सुनते थे। तो इस एरिया भी बहुत ही मतलब एक बहुत ही बेहतरीन एरिया है ये दीवाने आम, जहाँ पे राज दरबार लगता था। तो यहाँ से ऊपर में देख सकते हैं तो कई सारे खिड़कियाँ भी है जो आप फिल्मों में देखे होंगे, मैंने भी फिल्मों में कई सारे ऐसे राजमहल देखा है। और हकीकत में आज मैं ये राजमहल को देख पा रहा हूँ जो बिल्कुल राजमहल की तरह ही लग रहा है, मतलब अलग सा यूनिक सा डिज़ाइन है इसका बनावट सब कुछ। और इसकी पिलर जो देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये दीवाने आम का जो पिलर है इसमें भी सोने की परत चढ़ी हुई है हर एक पिलर पे, तो ये भी बहुत ही सख्त सिक्योरिटी के साथ पहरा देके रखा गया है। और इस राजमहल के अंदर के परिसर को जब आप एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे ना तो दोस्तों मतलब एक अलग सा महसूस होता है। उस ज़माने में इतना सालों पहले हमारा इंजीनियर लोगों ने, हमारा मेहनती मज़दूर लोगों ने कितना बारीकी से डिज़ाइन करके इस महल की हर एक चीज़ को बनाया है, चाहे यहाँ का कोई भी डोर फ्रेम ले लो, चाहे यहाँ का कोई दरवाज़ा ले लो, चाहे यहाँ का कोई पिलर ले लो, हर एक चीज़ पे बहुत ही अलग अलग तरीक़े का है नक्शा बना के रखा है। तो अभी जो देख पा रहे ये एरिया का नाम है दीवाने खास, जहाँ पर राजा अपने प्राइवेट मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। और इसका बनावट तो मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों, इसका जो कारुकार्य है ना, जो इसका छत हो चाहे इसका पिलर वगैरह हो, बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है इसका। उस ज़माने में हमारे इंजीनियर लोगों ने, हमारा मजदूर लोगों ने कैसा डिज़ाइन करके इसको बनाया है, देखने में भी मतलब एक आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। और ये जो एरिया है यही है सबसे ख़ास एरिया जहाँ पर
राजा अपने प्राइवेट प्रजाओं के साथ बैठ के बातचीत किया करते थे और यहाँ पे नृत्य भी हुआ करते थे, मतलब ये एक नृत्यालय भी बोल सकते हैं। और इसका बनावट तो क्या ही बताओ, क्या ही बताओ। सबसे खास लगा मुझे ये एक एरिया, मतलब इसका डिज़ाइन वगैरह बहुत ही अद्भुत। तो फिलहाल हमको जितना देखना था हमने देख लिया, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है और हमको अभी निकलना भी है, इसीलिए जल्दी जल्दी हमने जितना हो सके देख लिया। इसको पूरा अच्छी तरह से देखना है तो आपको बहुत सारा टाइम लेके आना पड़ेगा। और यह जो सीढ़ी का बनावट देख सकते हैं, हम जहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं, और ये जो महल है ना दोस्तों, इसका तो बस 10-12% हिस्सा ही हम देख सकते हैं और बाकी 90% हिस्सा तो पूरा क्लोज करके ही रखा है। तो महल को हमने पूरा घूम लिया, अभी राजमहल की सीढ़ियों से होते हुए हम नीचे आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे और दिखाएंगे बाहर से महल की नज़र। तो ये जो एग्ज़िट पे आप ग्लास के अंदर लॉक किया हुआ कुछ चीज़ें देख पा रहे हैं, ये बहुत ही कीमती चीज़ है। ये उस ज़माने से, राजा के ज़माने से अभी तक दशहरा के टाइम पे जो यहाँ पे यात्रा होता है उस टाइम पे हाथी को सजाया जाता है ये सब चीज़ों से, और यहाँ पे रोड पे शू होता है, तो वो दशहरा का शू है। उसको हम कभी नेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे, फिलहाल तो हमारा पास टाइम नहीं यहाँ से। और लोगों का भीड़ तो बहुत है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। एक फ़ोटो लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। तो हमको मिल गया अपना शू, अभी आप पूरा महल को दिखाएंगे, फ्रंट साइड से पूरा महल का व्यू आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं यहाँ से। तो महल की अंदर परिसर में यह आपको एक सन्ना कृष्णा स्वामी टेम्पल देखने को मिलेगा। विजिट करें क्या मंदिर देखे? नहीं, तो फिलहाल हम मंदिर को विजिट नहीं करेंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से दिखा दिया आपको। हमको पूरा जो पैलेस है उसको कवर करना है, अगर टाइम मिलता है तो लास्ट में आके आपको दिखाएंगे। महल के पीछे अभी हम आए हैं, यहाँ पे और एक टेम्पल है जो देख सकते हैं, इसका नाम है कुछ श्री लक्ष्मी स्वामी टेम्पल। तो इसको भी हम विजिट नहीं कर रहे हैं, महल के बैक साइड में देखने का कुछ ऐसा है नहीं है खास। यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है महल को, तो और भी अच्छे से कुछ दिनों के बाद देखने को मिलेगा बैक साइड भी। तो चलिए दोस्तों, हम अभी आपको फ्रंट से दिखाते हैं मैसूर पैलेस को। अभी हम मैसूर पैलेस की पूरा फ्रंट साइड पर आ चुके हैं, प्रवीण भाई और मैं। ये देखिए, ये देखिए मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा मैसूर पैलेस, बहुत ही खूबसूरत पैलेस है यार, बहुत ही खूबसूरत। आप मैसूर आते हो तो इस पैलेस को तो विज़िट करना ही चाहिए। और मैसूर लोग क्यों आ रहा है? मैसूर तो आ रहा है मैसूर पैलेस को देखने के लिए। तो बेंगलुरु में जो लोग रहते हो, कभी ना कभी मैसूर आइए, एक दो दिन का छुट्टी लेके बहुत एंजॉय कर सकते हो मैसूर पैलेस में आके, मतलब मैसूर पैलेस हो मैसूर में आके बहुत एंजॉय कर सकते हो। कई सारे प्लेस है यहाँ पे देखने के लिए, मतलब 2-3 दिन तो आपको ऐसे ही चला जाएगा। तो महल के इतिहास के बारे में बताया जाए तो ये महल को जो मैसूर किंग है वडियार फैमिली, उन लोगों ने बनाया है ये महल जो है ना। इसके बारे में और एक खास बात है दोस्तों, ये बहुत ही पहले ये चंदन का लकड़ी से बना हुआ महल था, लेकिन महाराज की बेटी के शादी के वक्त इस महल को पूरा आग लग गया था और महल पूरा जल के नष्ट हो गया था। उसके बाद इस महल को फिर से रिपेयर करके ऐसा पत्थरों से बनाया गया है, और जो देखने में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। आप इसको विजिट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो इसकी खूबसूरती का पता चलता है। इसे बाहर से तो खूबसूरत है, अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत है। मैसूर पैलेस से अभी हम एग्जिट हो जाएंगे, इसको भी जितना देखना उतना देख लिया, कई सारे रील्स बनाया, फोटो लिए, कई सारे वीडियो बनाए, मतलब मस्त प्लेस है। ऐसे तो धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो धूप की वजह से थोड़ा अलग सा फीलिंग हो रहा है, लेकिन इसमें खूबसूरती जो है ना वो तो धूप वो चाहे क्या भी हो कम नहीं हो सकता। लेकिन कोशिश करूँगा इवनिंग को यहाँ पे लाइटिंग शो होता है 7-8 बजे तक, वो दिखाने की। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं आउटसाइड, कुछ खाना वाना खाएंगे, फिर और एक प्लेस है वो दिखाएंगे। तो मैसूर प्लेस का ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करो। और मैसूर पैलेस को किस किस ने विज़िट किया, मेरा फ्रेंड सर्कल में, मेरा सब्सक्राइबर, मेरा व्यूअर्स, जो जो विजिट किया है ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक प्लेस के, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय। तो सबके साथ हम यहाँ पे लाइटिंग शो देखने के लिए शाम को यहाँ पे पहुँच चुके थे महल के बाहर, लेकिन हमारे बहुत ही दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकली एरर चल रहा था, तो टेक्निकली इशू की वजह से लाइटिंग शो नहीं हो रहा था, तो बहुत ही बुरा लगा। लेकिन कोशिश करूँगा नेक्स्ट भी मैसूर आए तो आपको लाइटिंग शो भी दिखाने की। धन्यवाद।